फिर आई थी ना सुबह सुबह, इस तरह हो रहा है जैसे स्मोक की धुंध ही धुंध भी नहीं है, धुआं हा हो रहा है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हो गए ना? बढ़िया है, सब ठीक रहना, खुश रहना और मस्त रहना। स्वागत है आपके अपने इसी ब्लॉग के एक और नए ब्लॉग में। तो मौसम ही हो रहा है जैसे धुआं हा, स्मोक ही हो रही है। ये सोचा था थोड़ी ही देर छत पर जाए ना, छत पर घूमें घूम लेते हैं, पर यहाँ का मौसम और कुछ ही है, दिख भी रहा होगा ना, धुंध नहीं है, धुंध का अलग होता है, पर जो धुएं से का है ये अलग है। सूरज निकल गया है, दिखाती हूँ बैक कैमरे से कितना अच्छा दिख रहा है। ये सूरज दादा के व्यू हैं, दर्शन सुबह सुबह, कितना अच्छा कैमरे में को लग रहा है। पालक सारी सूख गई, इतनी अच्छी पालक हुई हुई थी, सारी खराब हो गई। फिर मैं लगी थी सब्जी बनाने, सब्जी में थी आज मेरी बीन्स और आलू, और कोई सब्जी नहीं थी, क्यों बच्चे बीन्स को खुश होकर खा लेते हैं, तो मैंने सोचा मैं चल आलू और बीन्स बना देती हूँ। सब्जी बना दी थी, आटा वे दिया, दो दिन बिलो दिया था, मक्खन निकाल दिया, लस्सी बन गई। तो ये अब सुबह का काम मेरा हो गया। और दूसरा है जो गर्मिया का इंतज़ाम करके रखते हैं, तो ये गुड़ मेरा आ गया है, ये मैंने डाल दिया, अभी डाला है, क्यों आया हुआ तो दो तीन दिन से था, बस टाइम नहीं मिल रहा था, यूँ ही पन्नी में ही पड़ा था। तो ये अब तक यूँ इसी में रहेगा, खुला ओपन आ रहेगा, अगर ऐसे ही मैं डाल दूँगी तो फिर वो सील जाएगा, सख्त नहीं रहेगा, इसमें कोई सूख जाएगा, अवाही क्रॉस हो जाएगी, बाद में फिर उसको मैं स्टोर कर दूँगी, क्यों सारी गर्मी हमारे यही चलता है, गुड़ ही चलता है, खाते हैं या चाय में। अभी तो थोड़ा ही है, 5 किलो और सोच रहे हैं, क्यों हमारे ज़्यादा लगता, चीनी कम लगती है, तो चीनी तो माँ माँ की चाय में लगा है, और कहीं में हमारे चाय में चीनी नहीं लगती। शक्कर अभी आई नहीं है, शक्कर और बोला हुआ है 5 किलो, क्यों हम चावलों के साथ शक्कर खाते हैं, बुरा नहीं खाते, तो शक्कर और आएगी, उसको भी देखते हैं कैसी आएगी कैसी नहीं। गुड़ बढ़िया है, छत्तीसगढ़ का गुड़ है, शक्कर भी वहीं से ही मंगवाई हुई है, किसी को बोला हुआ है, यहाँ का गुड़ नहीं है, ये यूपी का या हरियाणा का, छत्तीसगढ़ से मंगवाया हुआ है, तो शक्कर भी उन्हीं को बोला हुआ है, हमारी 5 किलो शक्कर और ला देना, 5 किलो शक्कर और 5 किलो देसी खांड, क्यों मैं हलवा भी बनाती हूँ तो उसमें देसी खांड डालती हूँ, चीनी नहीं डालती, तो 5 किलो मेरा लग जाती है, 5 ही मंगवाती हूँ हर साल, मेरा सीज़न ठीक निकल जाता है फिर 5-5 किलो में। तो गर्मियों का मेरा खाने की चीज़ें जो स्टोर करने की थी, और देखते और दिन में क्या रहेगा, क्या करूँगी, कैसे होएगा, वो चलता ही रहेगा। फिर मैं लगी थी बेटे के रूम की सेटिंग करने, बच्चों के जो कपड़े थे, क्यों ललिता के बेटे के वो आ जाती है, वो भी कई दिन से बोल रही थी दीदी कपड़े दे दो, तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा आज बेटा भी घर में है, इससे पूछ के निकालती हूँ, क्यों इसके एग्ज़ाम चले हुए थे, आज थोड़ा फ्री था, तो इसके लोअर वगैरह जो ये नहीं डालता तो उसको फिर मैं दे देती हूँ, इसी की एज का है और इससे थोड़ा हाइट में छोटा है तो वो डाल लेता है, तो उन्हीं में ही फिर मैं लग रही थी, काफ़ी टाइम लग गया था, क्यों मैं ऐसे उठा के दे देती हूँ तो फिर यूँ कह देते हैं ना मैंने तो वो डालना था, सामने से पूछ के दें तो फिर ये होता है कि हाँ भाई पूछ के दिए हैं, और कई तो लोअर ऐसे ही थे, बिल्कुल ही लोअर और टी शर्ट जो बिल्कुल ही नहीं डाले थे, एक दो बार डाल के नरियों ही रखे हुए थे, पूरी सर्दियाँ हो गई थी, और ये ऐसे ही रख देती तो फिर मैं गर्मियों वाले कपड़े नहीं आने थे, क्यों कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं गर्मियों के और सर्दियों के ऐसे ही, क्यों फिर जो टी शर्टें होती हैं वो भी फुल बाजू वाली वो भी निकालनी होती हैं जिसने आगे नहीं डालनी, तो यूं ही रखी होती है ना, कई बार तो पूरा सीज़न निकल जाता है, सारे छाटने के बाद और उसके अलमारी में पूरे सेट करने के बाद जो थे निकालने थे तो वो मैंने निकाल दिए थे, अब उनको एक थैली में भर दिया था मैंने, क्यों कल दे दूंगी फिर मैं, वो आएगी जब पोछा लगाने तो जब ले जाती है या फिर बाद में उठा ले जाती है, बोल देती हूँ उसको। काम हो गया था और एक बैग आज भर दिया मैंने बेटे के रूम में से छाट सूट के ना, जो भी उसके लोअर थे बड़े वाले के भी और उसके भी जितने भी थी टी शर्टें वगैरह, तो अब उसको मैं कल दे दूँगी, क्यों पोछा लगा के जा ली थी ललिता मेरी, तो कल दे दूँगी मैं उसके बेटे के काम आ जाएंगे, शूज़ वगैरह भी हैं तो, और वो कपड़े भी। अब मैं बना रही हूँ लंच, लंच में माँ को रोटी देनी है, बेटे ने खानी है और किसी ने नहीं खानी है, तो इनकी मैं बना देती हूँ अब फटाफट से बना देती हूँ लंच, सब्जी सुबह ही बना दी थी मैंने 9 बजे ही, तो अब ये काम करती हूँ, चल जा और कुछ सुना दे।
सुना दे क्या सुना तुझे। दे? चल और कुछ सुना ले, मैं सुनाऊंगी। चल बोल कुछ। ऊंट हाँ ऊंचा, सुना सुना बेटी। ऊंट ऊंचा और ऊंट की पीठ ऊंची, हाँ पीठ ऊंची ऊंट की, हाँ बता बोलिए। ऊँट की पीठ तो ऊंची हुए है। हाँ सुना। ऊंट ऊंचा, हाँ पीठ हो। ऊंट की पीठ ऊंची, पीठ ऊंची ऊंट की, बोलिए। ऊँट है वो सब ऊँट है। पूरा बोलना है, ऊंचा हो तो मेरा है। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट पीठ पर ऊंची बैठ आगे, उसकी पीठ है। ऊंट की पीठ ऊंची और ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पीठ ऊंची ऊंट की है। पीठ ऊंची। अरे हाँ ऊंट की। एक बार मैं बोल यू ना समझ में आया उनकी। ऊंट ऊंचा ऊंट की सुने। पीठ ऊंची। हाँ अरे पीठ ऊंची ऊंट की, ऊंट की पीठ ऊंची। हाँ पीठ ऊंची ऊंट की, बोल तो सका है तो है? ऊंट उतार पीठ ऊंची ऊंट की। है। और और कुछ? तीसरा हरफ है। अब है सैर करण जाने की तैयारी। अब जो धीरे धीरे अपना रूटीन बना रही हूँ, कल भी गई थी आज भी जा रही हूँ। कल भी 4 चक्कर लगा के आई थी, 4 राउंड, और आज भी बस। अब फोन आते हैं और चला जाना है, क्यों बहुत एंजॉय कर लिया, बहुत मिठाई सिठाई सब की मैं खा लिया, तो अब अपना रूटीन बनावा धीरे धीरे। सैर का तो हो गया, एक्सरसाइज का भी कर दूंगी। सुबह थोड़ी ही गई थी मैं घूमने, छत पर वो गई थी, थोड़ा पॉल्यूशन सा था कुछ, तो थोड़ा जल्दी आ जाया करूँगी। तो दाल सब्जी बना दी थी, दाल बना दी थी, कुछ सब्जी सुबह वाली बची हुई थी, चटनी बना दी थी, तो सबके में आटा भेज दिया है। तो अब सैर करके आकर ना बस रोटी ही सेकनी रहेगी, आके बस रोटी सेक दूँगी, फिर सब अच्छे हो गए। निकलूँ निकलूँगी इतना हो जाऊँगी 6:30। तो 5 राउंड तो हमारे होते ही होते हैं, तो 5 राउंड लगा कर, 5 जितने भी होंगे लगा कर नर फिर आकर फिर खाना बन जाएगा फटाफट से। तो सारा काम करके जाओ तो फिर वो टेंशन सिरे नहीं रहती, अब काम करना है, खाना बनाना है, ये करना है, नहीं दाल आटा चटनी ये चीज़ें बनने के बाद तो अपना आराम से सैर हो सकती है। कोई आया है? सर्दियों में तो यूं था, आके कर लिया करते, चलते अंधेरा हो जाया करता, 6 बजे वापस आ जाया करते, अब निकलते ही 6:30 बजे हैं, तो फिर तो करके ही जाना पड़ेगा। तो चलो बाद में मिलते हैं फिर। सैर करके आ गई हूँ, पसीने आ रहे हैं, हंस तो रहे पसीने गर्मी आने लगे हैं। तू भी घूम आई माँ, गर्मी हो करे गई आई सैर? सर। अच्छा सैर करके आई, वजन गा के आई, बैठे पसीने आ रहे हैं मेरे, टपका हाँ है। मेरे पसीने आ रहे, तावला तावला ना हो भी। हाँ तेज चल रहे थे, राउंड हाँ लगवाऊं दे वो तो, मैं ना लेट हो जाऊंगी, तो इन मैं बनाऊँ खाना। खाना बना लिया। खाना बनाने के बाद फिर मैं लगी थी दही जमाने। दही जमाने जो मलाई अलग उतारती हूँ, मलाई जमाने, मलाई की फिर उसमें थोड़ा दूध डाल देती हूँ, तो उसकी लस्सी बन जाती है फिर सुबह ना। तो इनको मैं अलग अलग ही जमाती हूँ, उस काम में ही लगी हुई हूँ अब मैं। सारा दही दही जमा दी, दूध जमा दिया, नाश्ता पानी भरने लग रही हूँ कैंपर में, तो भरने लग रहा है, उधर से पानी भर रहा है, इधर ग्रीन टी बनने लग रही है, पानी उबालू हूँ उसमें छोड़ूंगी थोड़ी देर, तो वीडियो की एंडिंग करूँ हूँ। मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, नमस्ते, शुक्रिया और थैंक यू।